भर्ती परीक्षा के संबंध में एडीसीएसपी हेडक्वार्टर के सुपरविजन में डीएसटी टीम ने एक कार्रवाई की है, जिसमें मुख्यतः कुछ लोगों द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र के नाम पर कुछ लोगों से पैसे ऐंठ दिए गए, जिसमें मुख्य आरोपी जिसका गैंग है या जो है शकील है, जो भी अरेस्ट नहीं हुआ है, अन्य जिनके साथ ये पीड़ित हुए शुभम वगैरह जो इसमें नाम है, उनको भी पेपर देने की बात हुई थी, परंतु वो पेपर दे नहीं पाए और वो बंदा भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया, 2 लाख रुपये भी दे, तो फिर उनको और झांसा दिया गया कि हम आपको 14 तारीख का पेपर अवेलेबल करा देंगे। वो उन्होंने अवेलेबल कोई फर्जी कराया, उन्होंने आगे किसी बेचने का प्रयास किया, वो फिर एग्ज़ाम का पेपर नहीं निकला तो वो पैसे नहीं मिले, फिर 15 तारीख का और उन्होंने कुछ अवेलेबल कराया, उनको कोई ग्राहक मिला नहीं, वो फिर हमारे हत्या चढ़ गई। तो हमने उनको सारी डिटेल उनके फ़ोन से चीज़ें निकलवा करके और FIR मुद्रा गेट थाने में करी है, 5 आदमी गिरफ्तार किया है और जो 3 हैं उनको गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें लगा रखी है और हम उससे गिरफ्तार करेंगे और पूरी चीज़ का खुलासा करेंगे कि इसमें और क्या असलियत है। अनुसंधान DCSP हेडक्वार्टर सुपरविजन में थाना अधिकारी मुद्रा गिरफ्तार किया जा रहा है। सस्पेक्ट मटेरियल मिला है उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में डाल रखा है, उसको भी सर्च कर रहे हैं कि भाई ये क्या किससे उससे रिलेटेड हैक नहीं है, जो कल 1:30 बजे के आसपास उनको मिलना बताया गया है, उससे पहले नहीं था, पहले तो ये उनको हाथ लिखित कुछ डाला था उसको भी करा रहे हैं और जो कल डाला है उसको भी करा रहे हैं कि भाई उसमें कुछ असलियत भी है कि वास्तव पूरा फ्रॉड ही है, जहाँ तक प्रथम दृष्टि हमें फ्रॉड का ही ज़्यादा लग रहा है। राजस्थान में अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है, अनुसंधान कर रहे हैं, जिन जिन के लोगों को जानकारी में आया उन लोगों को हम टच कर रहे हैं। ये जो सर ये आपने अरेस्ट किया है ये परीक्षार्थी हैं? नहीं, इनमें और जो आगे जो अपने पैसे निकालेंगे आगे के भी प्रयोग इसी ठगी का उपयोग करना चाह रहे हैं वो भी शामिल है, और वो भी शामिल है जो इन्होंने जो मेन गैंग है उनके भी आदमी है इसमें। शकील भी उच्चैन का है, शकील यहाँ का है, हाँ कुंदेर का है, तो इसमें जो देवेंद्र है ये उनमें शामिल है, शकील गैंग का मेंबर है। सर इनसे कोई इलेक्ट्रॉनिक पैसे भी कुछ बरामद ही हुए हैं? नहीं, मोबाइल फ़ोन जब्त किया है, इलेक्ट्रॉनिक और कुछ भी नहीं निकला, और पैसों का है, पैसे अभी कोई बरामद की नहीं हुई, पैसे तो उन्होंने खुद नहीं ले लिए, और जो दूसरा ग्रुप था पैसों के चक्कर में ये ठगी आगे से आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे थे, पर इनसे ठगी की ज़्यादा हो नहीं पाया। वो अभी हम प्रथम दृष्टया से एग्जाम के बारे में ही ज़्यादा गंभीरता बरत रहे हैं, वो उसके बाद हम इसका भी देखेंगे भी इन्होंने और भी कुछ किया है कि किसी में क्या, और कोई इन्वॉल्व है परीक्षा में इन्वॉल्व रहेंगे? अभी जानकारी इसके लिए कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई पूर्व में भी कोई परीक्षा में रहे हैं क्या, या कोई इनका और भी कोई नेटवर्क है क्या, वो सारी जानकारी कर रहे हैं।